वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबा कर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। राजस्थान के निकाय चुनाव के नतीजों ने सियासी उथल पुथल मचा दी है। विधानसभा चुनाव में शानदार प्रदर्शन के बाद लोकसभा चुनाव में पिछड़ी कांग्रेस ने अब फिर से उलटफेर कर दिया है। राजस्थान के 49 निकायों में चुनाव के नतीजे आए हैं, जिनमें 3 नगर निगम, 19 नगर परिषद और 27 नगर पालिकाएं हैं। किन किन सीटों पर क्या रहे चुनावी नतीजे, कैसे ये चुनावी नतीजे कांग्रेस के लिए लाए हैं खुशखबरी, आइए जानते हैं। राजस्थान के निकाय चुनाव में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। प्रदेश के माउंट आबू, नाथद्वारा, नीम का थाना, संगोद, डीडवाना, आमेट और कैथुन सहित 23 निकायों में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। पिछले चुनाव तक सबसे बड़ी पार्टी भाजपा महज 6 निकायों में ही सिमट गई। हालांकि बीजेपी नसीराबाद और उदयपुर जैसे निकायों को जीतने में कामयाब रही। लेकिन भरतपुर नगर निगम के नतीजों में सत्ताधारी कांग्रेस को निराशा हाथ लगी। यहां पर 65 वार्डों में 22-22 सीटों पर बीजेपी और निर्दलीय उम्मीदवारों का कब्जा रहा। वहीं कांग्रेस को 18 वार्डों में ही जीत मिल पाई और 3 वार्ड बीएसपी के खाते में गए। गौरतलब है कि यहां कांग्रेस के मेयर पद के प्रत्याशी सुरेश यादव निर्दलीय प्रत्याशी से चुनाव हार गए हैं। वहीं बीजेपी ने जिन 6 निकायों के बोर्ड पर कब्जा किया है, उनमें नसीराबाद, उदयपुर और बालोतरा में बीजेपी का मेयर बनना तय है। मजे की बात तो ये है कि बाकी के 20 निकायों में निर्दलीय वार्ड विजेता निर्णायक की भूमिका में है। मतलब इन निकायों में ना बीजेपी और ना कांग्रेस, दोनों को ही स्पष्ट बहुमत नहीं है। ऐसे में इन निकायों के बोर्ड के गठन में निर्दलीय विजेताओं की भूमिका अहम होगी। बता दें कि किसी भी निकाय में सबसे अधिक वार्ड जीतने वाली पार्टी का बोर्ड बनता है। उदाहरण के लिए अगर माउंट आबू के 25 वार्ड में से कांग्रेस ने 18 पर जीत दर्ज की है, तो ऐसे में कांग्रेस का बोर्ड बनना तय है। इन सभी सीटों के अलावा अगर पिलानी सीट की बात करें तो वहां पर मामला काफी रोचक रहा। पिलानी नगर पालिका में निर्दलियों ने सबको चौंका दिया। यहां बीजेपी और कांग्रेस का सूपड़ा लगभग साफ हो गया। पिलानी के कुल 35 वार्ड्स में से बीजेपी और कांग्रेस, इन दोनों के खाते में सिर्फ 2-2 सीटें गई है, जबकि शेष 31 सीटें निर्दलियों के खाते में गई है। लेकिन कुल मिलाकर ये निकाय चुनाव कांग्रेस के लिए अच्छे कहे जा सकते हैं। निकाय चुनाव के नतीजों से राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत काफी खुश नजर आए। उन्होंने ट्वीट कर अपनी खुशी का इजहार किया। उन्होंने ट्वीट में लिखा था, आज आए निकाय चुनाव के नतीजे सुखद हैं। जिला परिषद उपचुनाव, पंचायती राज उपचुनाव एवं विधानसभा उपचुनाव के बाद निकाय चुनाव में भी प्रदेश की जनता ने हमारी सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं और विकास कार्यों को अपना समर्थन देकर संवेदनशील, जवाबदेह एवं पारदर्शी शासन और गुड गवर्नेंस देने की हमारी प्रतिबद्धता को और मजबूत किया है। मैं सभी मतदाताओं का आभार प्रकट करता हूँ और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता, पदाधिकारी एवं विजय उम्मीदवारों को बधाई देता हूँ। तो ये थे राजस्थान के निकाय चुनाव के नतीजे, जहां पर कांग्रेस के लिए वाकई खुशखबरी आई है। इन नतीजों पर आपका क्या कहना है और ये वीडियो आपको कैसा लगा, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इसी तरह के दूसरे वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर लें जनसत्ता को।